सवाल ये है कि जब इसके अंदर एफआईआर होने पर हमें कानूनी प्रावधान है मदद मिलनी चाहिए, इसके अंदर कानूनी प्रावधान है कि चार्जशीट मिलने पर होनी चाहिए, तो जब ये चुनौती ही नहीं है तो न्यायालय किस आधार पर विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी मटेरियल और विदाउट चैलेंजिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, हाउ द कोर्ट कैन रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग, नंबर वन। नंबर टू, ये सही जानकारी लाने का दायित्व जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के वकीलों का है, गवर्नमेंट के वकील वहां उपलब्ध थे, इसके बावजूद गवर्नमेंट के वकील ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि साहब ये सेंट्रल एक्ट है, ये स्टेट एक्ट नहीं है, नंबर वन। और इस पिटीशन के अंदर ये जब चैलेंज नहीं है, ऐसी रिकॉर्डिंग फाइंडिंग नहीं की जानी चाहिए, इसका मतलब है जानबूझकर सरकार के वकीलों को जो सही तथ्य रखने थे उन्होंने नहीं रखे, क्योंकि वो एससी एसटी के जो बहुत बड़ा समाज है उसके हित में आर्गुमेंट करते ही नहीं है। आज मैं दिल्ली के पालम में पहुंचा हूं, जहां पर राजनगर एक्सटेंशन 2 है, ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत द्वारा एक दिवसीय विचार गोष्ठी रखी गई है। विचार संगोष्ठी का जो विषय है वो है अधिवक्ता संघ व जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति की प्रतिनिधित्व है उसको लेकर। आइए लेकर चलता हूँ आपको कार्यक्रम की तरफ और लोगों से बात कराऊंगा क्यों इस कार्यक्रम की उनको जरूरत महसूस पड़ी। आज यहाँ पर दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये सभी वकील साहब एक जो एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एक संगोष्ठी चल रही है, वर्ण एक विचार विमर्श हो रहा है गंभीर चर्चा पर। आज की मीटिंग जो प्रतिनिधित्व को लेकर कर रहे हैं, खासकर न्यायालय में अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व को लेकर आप आज मीटिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आप समझते हैं, आप क्यों समझते हैं? मैं आप सबको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ, मेरे समझने का विषय नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट के आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि जुडिशरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज का नहीं है, मेरे समझने का विषय नहीं है, ये स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध है। सर, एससी एसटी में जो बदलाव किए गए 2 अप्रैल के तमाम आंदोलन आप लोगों ने किया पूरे देश के अंदर, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं बार बार उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि वर्तमान में खबर आ रही है कि जब एससी या एसटी समाज के लोगों को बड़ा तो मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से सहायता राशि दी जाती है, लेकिन वर्तमान में उसको बंद कर दिया गया है, क्या आंकड़े हैं, किन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने बंद किया है, पर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, सरकार ने जो ये काम किया है न्यायपालिका के साथ में मिलकर किया है, इसमें केवल न्यायपालिका का हाथ नहीं है, केवल सरकार का हाथ नहीं है। मैं आपको इस रीसेंट जजमेंट की कॉपी दिखाना चाहता हूँ, ये जो रीसेंट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के ऑनरेबल जस्टिस डीके सिंह ने पास किया है और ये 26 जुलाई का ऑर्डर है। इसकी पृष्ठभूमि को पहले समझने की जरूरत है। इस पिटीशन के अंदर सिंपली जो इसरार नाम के व्यक्ति ने इस बात की 482 फाइल की थी कि हमारा समझौता इस कंप्लेनेंट से हो गया है इसलिए हम मुकदमा चलाना नहीं चाहते। इस पिटीशन के अंदर एससी एसटी को मिलने वाली आर्थिक मदद के संदर्भ में ना तो कोई प्लीडिंग है नंबर वन, ना ही किसी भी प्रकार का रिलीफ शॉर्ट किया गया है नंबर दो। नंबर तीन, एससी एसटी को मिलने वाले जो रिलीफ हैं वो एससी एसटी एक्ट 1989 के जो रूल्स हैं 95 के और जो रूल्स रूल 12 सब क्लास 4 है उसके तहत उन्हें मदद मिलती है, तो उन रूल्स को भी हाईकोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी गई है। हमारे सामने सवाल ये है कानूनी रूप से, याची ने प्लीडिंग नहीं किया, याची ने प्रेयर नहीं किया, वकील ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, रूल्स चुनौती नहीं दी गए, उसके बावजूद माननीय न्यायालय के सामने ऐसे कौन से आंकड़े थे जिसके आधार पर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फाइंडिंग रिकॉर्ड करके भेज दिया है कि ये जजमेंट है, इस जजमेंट के अंदर है, मैं आपको जजमेंट की कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। यस, मैं इस जजमेंट के अंदर किया, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा। इस जजमेंट को अगर आप चाहें तो मैं एक पैरा पढ़ सकता हूं उसका, जिस पैरा में उन्होंने कहा, पैरा नंबर 3, दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट टैक्स पेयर्स मनी इज बीइंग मिसयूज्ड इन दिस प्रोसेस, इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू डिसबर्स द कंपनसेशन ओनली ऑन कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड एंड नॉट फाइलिंग ऑफ द एफआईआर एंड सबमिशन ऑफ द चार्जशीट in cases where the complainant has entered into compromise with the accused for quashing of the proceeding and proceedings are quashed by this court against the accused in exercise of its power under section 482 of crpc। sawal ye hai ki jab iske andar fir hone par hame kanuni pravadhan mein madad milni chahiye, iske andar kanuni pravadhan hai ki charge sheet milne par honi chahiye,
तो जब ये चुनौती ही नहीं है तो न्यायालय किस आधार पर विदाउट एनी बेसिस विदाउट एनी मटेरियल और विदाउट चैलेंजिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट हाउ द कोर्ट कैन रिकॉर्ड दिस फाइंडिंग नंबर वन. नंबर टू, ये सही जानकारी लाने का दायित्व जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के वकीलों का है. गवर्नमेंट के वकील वहां उपलब्ध थे, इसके बावजूद गवर्नमेंट के वकील ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि साहब ये सेंट्रल एक्ट है, ये स्टेट एक्ट नहीं है. नंबर वन. और इस पिटीशन के अंदर ये जब चैलेंज नहीं है, ऐसी रिकॉर्डिंग फाइंडिंग नहीं की जानी चाहिए. इसका मतलब है जानबूझकर सरकार के वकीलों को जो सही तथ्य रखने थे उन्होंने नहीं रखे, क्योंकि वो एससी एसटी के जो बहुत बड़ा समाज है उसके हित में आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं है. ये मेरा स्पष्ट उनके प्रति आरोप है. इसी वजह से न्यायालय ने इस तरह का आदेश पास कर दिया है. मैं एक तीसरी महत्वपूर्ण बात आप मीडिया के साथियों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं. जब पक्षकार को सुना ही नहीं, जो पक्षकार को आपने आर्गुमेंट का अवसर ही नहीं दिया, तो किस आधार पर ये जजमेंट आपने पास कर दिया? इसलिए ये निर्णय पूर्ण रूप से कानूनी रूप से हम लोग उससे सहमत नहीं हैं, और निश्चित रूप से जो कानूनी विकल्प डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के सामने खोले हैं उसे एज एन एडवोकेट और समाज के एडवोकेट होने के नाते हम जो एप्रोप्रिएट फोरम है उसमें उसको चुनौती देंगे. आपके संगठन के माध्यम से आप एक अपील दायर करने की बात यहां पर कर रहे हैं, ये कैसे कैसे? इसके बारे में मैं स्पष्ट करूं, अभी हम लोगों ने रिसेंटली, क्योंकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है. और मॉडिफिकेशन रिकॉल एप्लीकेशन जल्द ही बहस भी हो चुकी है, और बहस होने के बाद में उसमें जजमेंट अभी रिजर्व है. जो भी जजमेंट आएगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे. या तो ऑनरेबल कोर्ट उसको मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को कंसिडर कर उसको मॉडिफाइड करेगा ऑर्डर को, और वो अगर ऐसा नहीं करता है, कोई हमारे विपक्ष में कोई ऑर्डर आता है, तो जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और अन्य विकल्प हम उसको अपनाएंगे. ये तो कंफर्म है कि ऑर्डर आपके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी बात रखने वाला कोई नहीं बैठा है. मैं इसके बारे में स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ, हमारा न्यायपालिका के प्रति कोई भी पक्षपातपूर्ण नजरिया नहीं है. मैं अपना कह रहा हूँ, मैं मीडिया के साथी के नहीं बोल रहा, मेरा कोई उनका नजरिया नहीं है पक्षपात का. मेरा ऐसा मानना है न्यायालय को ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कानूनी विषय है, वो निश्चित रूप से इसको देखेंगे. और यदि इसके बावजूद न्यायालय अगर ऑर्डर उसके अनुसार नहीं करता है, तो वी हैव अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू मूव एन एसएलपी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वी विल चैलेंज इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. एससी एसटी के प्रतिनिधित्व की बात चल रही है, उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया है जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं, तो क्या इस बेंच में एससी एसटी का जजमेंट था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका. नंबर वन, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन केवल एससी एसटी का नहीं है, ये इशू हमारे एस सी एस टी का नहीं है. एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी का है, बहुजन समाज का. नंबर वन, ये जजमेंट जरूर एस सी एस टी से संबंधित है. अगर हमारे जजेस होते तो इंटरप्रिटेशन पर आपने एक इंपॉर्टेंट सवाल किया है, मैं इसलिए जवाब देना चाहता हूँ. मेरे पास एक दूसरा जजमेंट है, इस जजमेंट को आप थोड़ा सा देखेंगे. अभी चंद दिनों पहले ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी साहब हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उनका ये जजमेंट 7 अप्रैल 2022 का है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 7 अप्रैल 2022 का जजमेंट है, और ये सोना देवी का जजमेंट है. इस जजमेंट ने ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी साहब, हु इज बिलोंग टू दी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हिमसेल्फ, उन्होंने ये व्याख्या किया, इंटरप्रिटेशन किया, कि जब भी एससी एसटी के जो कंप्लेंट्स आते हैं तो एससी एसटी एक्ट के अनुसार उसमें कंप्लेंट नहीं हो सकती, एफआईआर होनी चाहिए. नंबर वन, और अथॉरिटीज बाउंड हैं, और आप एक्ट को उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि वहां पर ये प्रावधान है, अगर एसएचओ और पुलिस या पुलिस अथॉरिटी अगर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने की प्रोसीजरल दी हुई है, उनके खिलाफ एफआईआर का प्रावधान है. उन्होंने ये होल्ड किया, व्याख्या किया, किस जुलाई को, ये भी आपको मैंने रिसेंटली बोला, 7 अप्रैल 2022 को. लेकिन आपको हैरानी होगी, उसी हाईकोर्ट दूसरे जज ऑनरेबल जस्टिस सुमित गोपाल साहब ने 19 जुलाई 2022 को, यानी 2 महीने भी नहीं बीता, 2 महीने बाद उसी जजमेंट के विरोध में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रिकॉर्ड कर दिया, ये जजमेंट कानून सम्मत बिल्कुल सही नहीं है और हम इससे सहमत नहीं है, और चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया है. इसका क्या मतलब है? हाईकोर्ट के अंदर केवल एक सिंगल जज, पूरी हाईकोर्ट में 160 की जो स्ट्रेंथ है उसमें से सिंगल एक जज है, उन्होंने व्याख्या किया, लेकिन दूसरे जज ने तत्काल 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं किया, उसके विरोध में व्याख्या कर दिया. अब सवाल है कि ये जो रेफरेंस होगा वो 2 और 3 जजेस के पास होगा, और 2-3 जजेस में से इनमें से कोई नहीं हो सकता है, और वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है. इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब तक व्याख्या करने के लिए हमारे जजेस का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये व्याख्या हमारे विरोध में होती रहेगी, और उसी का ये परिणाम है जो एस सी एस टी का रिसेंटली जजमेंट आया है.
नीति इसके लिए हमारा स्पष्ट अपील है हमारे समाज को, हमारे पास जो कानूनी विकल्प है वो हम तो अपनाएंगे ही, हम अपने समाज के लोगों से कहेंगे बड़ी संख्या में वो सामने आए और उनको भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हमसे मदद चाहिए हम देंगे, वो भी एसएलपी फाइल करने में हमारी मदद करें और बड़े लेवल पर इस जजमेंट के खिलाफ में एसएलपी की जानी चाहिए। ये कानूनी विकल्प है, बाकी सामाजिक विकल्प की जो नीति रणनीति है वो हमारे समाज के लोग तय करेंगे, ये मेरा अकेला तय करने का विषय नहीं है।